नमस्कार। बीसीए न्यूज के खास मुलाकात में मैं क्षितिजा देशमुख आप सभी का स्वागत करती हूं। आज हम बातचीत करेंगे श्री स्वामी समर्थ हार्ट केयर सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर प्रदीप पाटिल इनसे या इनसे हम जानेंगे बातचीत करेंगे कि ईईसीपी थेरेपी जो इन्होंने हजारों मरीजों पर अप्लाई की है और इसके लाभ के बारे में। डॉक्टर प्रदीप पाटिल एक हार्ट स्पेशलिस्ट है, सुप्रसिद्ध हार्ट स्पेशलिस्ट है। इनका हम स्वागत करते हैं खास मुलाकात कार्यक्रम में। नमस्ते सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आपका जो हॉस्पिटल है इसका उद्देश्य क्या है और इसकी स्थापना कब हुई थी? श्री स्वामी समर्थ हॉस्पिटल, ये इसका उद्देश्य ऐसा है कि हम लोग हृदय पेशेंट को बिना ऑपरेशन का इलाज प्रोवाइड करें। मैं 2004 में इसका ऐसा हुआ था कि मेरे बड़े भैया को हार्ट अटैक आया था। उसके बाद मैं वही कि पहले एंजियोग्राफी करो, उसके बाद में फिर इतने ब्लॉकेज है, 100% है, 90% है और 3 ब्लॉकेज है। तो फिर अटेंडिंग डॉक्टर बोला कि अपने को बायपास करना पड़ता है या फिर एंजियोप्लास्टी के 2 स्टंट डालना पड़ता। तो एंजियोप्लास्टी बोला तो एक स्टंट डालना यानी 80,000 रुपये उस वक्त में था, दैट वॉज इन 2002। तो उस वक्त में 80,000 के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो 3 स्टंट का 240,000 हो गया और उसके बाद में जो बाकी का प्रोसीजर है उसका 3,00,000 तक के जा रहा था एस्टिमेट। सो एक आम आदमी इतना पैसा नहीं दे सकता है आज के तारीख में। और ऊपर से पूछा जाए कि इसका आगे में क्या है, यानी कैसा होने वाला आगे, तो इसका उद्देश्य उसका यही बताया जाता है कि ठीक है, अगर आप एंजियोप्लास्टी नहीं करोगे तो एक्सपायर हो जाएगा पेशेंट, आपके पास टाइम लिमिट नहीं है। यानी एट द जंक्शन ओनली हमारे को 3,00,000 रुपये का अरेंजमेंट करो, नहीं तो हमारा पेशेंट खो दो। तब मेरे दिमाग में ऐसा आया था कि अपन ने कुछ ऐसा करना चाहिए या ऐसी थेरेपी होना चाहिए कि हृदय रोगों का जो पेशेंट का जो इलाज है वो बिना ऑपरेशन हम लोग कर सकें। तो उस वक्त जब मेरे दिमाग में ये बात आई कि पेशेंट को जिस तरीके से ब्लैकमेल किया जाता है या फिर जो उसकी मनस्थिति होती कि भाई मैं पैसा लाऊं, मेरे भाई को बचाऊं, मेरे पापा को बचाऊं या माँ को बचाऊं, तो कैसे बचाऊं, तो उस वक्त में उसको कुछ नहीं बोला जाता है, सिर्फ बोला जाता है कि इतना पैसा जमा करो। अब इतना पैसा जमा करो बोलने के बाद में अगर उसके पास पैसा है तो ठीक है इलाज हो रहा, नहीं है तो फिर वो बोलते हैं ठीक है लेके जाओ उसको मेडिकल, जाओ लेके जाओ, मैं लेके जाओ। बिल्कुल। तो मैंने फिर बड़े भैया के इसमें जब ये सब देखा, मैंने खुद भुगता कि एट द पिन पॉइंट ऑफ जंक्शन में हमको उस वक्त में ये बोला जाता कि एक तो लाइफ है या फिर तुम एंजियोप्लास्टी या बाईपास करो या इतना पैसा लाओ। तब मैंने एक निर्णय ले लिया, फर्म डिसीजन ले लिया कि हम लोग बिना ऑपरेशन के इलाज करेंगे। उस वक्त में फिर मेरे को जब पता चला कि ईईसीपी टेक्निक है तो मैं उसकी स्टडी में लग गया। उसके बाद में उसको पूरा स्टडी करने के बाद में मैंने श्री स्वामी समर्थ हॉस्पिटल की स्थापना ही इसी उद्देश्य से की कि सभी रुग्णों का, हार्ट रुग्णों का बिना ऑपरेशन इलाज किया जाए। बिल्कुल। आपकी हॉस्पिटल की एक पंचलाइन भी है जिसमें कहा जाता है कि बायपास सर्जरी को बाय बाय, गुड बाय कहते हैं हार्ट अटैक को और एंजियोप्लास्टी और हार्ट अटैक को कैसे टाले, मतलब टाला जा सकता है, ऐसा भी आपकी एक पंचलाइन है। तो ये क्या पंचलाइन है, मतलब कैसे गुड बाय कर सकते हैं हम? मेरा यह कहना है कि जैसे हम देखते हैं कि आजकल हम लोग यूथ को देखते हैं तो आपको पांडेले पे दिखेंगे, सिगरेट स्मोक करते हुए दिखेंगे, तंबाकू च्यू करते हुए दिखेंगे। हम उनको जब बताते हैं, उनको पढ़ना भी आता है, उस पर लिखा हुआ रहता है सिगरेट स्मोकिंग इज डेंजरस टू हेल्थ, उसके बावजूद भी पढ़े लिखे होने के बावजूद भी वो सिगरेट स्मोक करेंगे, बाद में चाइनीज़ फूड खाएंगे, पिज्ज़ा बर्गर खाएंगे, जो जो चीज़ें नहीं करना चाहिए वो सब करेंगे ताकि उनको हार्ट प्रॉब्लम आए। तो हमारा ये कहना है कि हम लोग इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, हम लोग इसको रोक सकते हैं अगर हम लोगों ने सही समय पे सिगरेट या इससे तौबा कर लिया और साथ में हम लोग अपना एक डिसिप्लिन लाइफ जिए। आज की जो सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, जैसे हर किसी को पसंद है कि वो आराम से एसी में बैठा रहता, काम धाम कुछ करता नहीं। जो पहले के ज़माने में खेत में जो अपना फार्मर जाके खेती करता था वो एग्जर्ट करता था, आजकल हम लोग बेडरूम में एसी रहता, हॉल में एसी रहता, बाहर निकले तो कार एसी रहती, हमारा जो फिजिकल एक्टिविटी नील के बराबर हो गया। तो इसको बोलते थे सेडिमेंट्री लाइफस्टाइल। तो ये सब अगर हम लोगों ने अपने जीवन में अवॉइड कर दिया तो डेफिनेटली हम लोग एंजियोप्लास्टी और एंजियोग्राफी और बाईपास इनको जरूर अवॉइड कर सकते हैं। तो ऑलवेज ये कहा जाता है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो अगर हम लोग उसको प्रिवेंट कर पाए तो इट्स ऑलवेज बेटर। बिल्कुल। ईईसीपी थेरेपी जो आप ट्रीटमेंट देते हैं आपके मरीजों को, ये ट्रीटमेंट क्या है, किस तरह की है, हमारे दर्शकों को बताइए। ईईसीपी एनहांस एक्सटर्नल काउंटर पल्सेशन है,
हमारा जो सेंटर है इसका एक वैसोमेडिटिक यूएसए के साथ में टाइप है और उसके टेक्निकल कोलेबोरेशन में ये चलता है। ईईसीपी बोले तो एनहांस एक्सटर्नल काउंटर पोजिशन, इसमें एक बेड रहता है जिसके ऊपर पेशेंट को लिटाया जाता है, उसके अंदर उसके चेस्ट को ईसीजी लीड्स लगाए जाते हैं, वो मशीन का एक कंसोल रहता है, उसके ऊपर लाइव ईसीजी कंटिन्यूस चलते रहता है। उसके बाद में हम लोग सीख जो पाव रहते हैं उसको न्यूमेटिक कप बांधते हैं, पाव मांडी और कमर को, उसके अंदर सीक्वेंशियल इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन ऑफ कप्स होता है और प्रेशर के द्वारा ब्लड को वीनस रिटर्न के वक्त एक विशिष्ट दाब से अपने हार्ट के जो चोकअप हुई है आर्टरीज में अशर किया जाता है, भेजा जाता है, तो ब्लॉक्ड आर्टरीज के अराउंड ब्रिज बन के रास्ता ओपन हो जाता है। ब्लॉकेज की वजह से होता क्या है कि हमारे जो हृदय को ब्लड सप्लाई कम हुआ रहता है, तो ब्लड सप्लाई अगर हम लोग रिस्टोर कर सके वही एम या उद्देश्य एंजियोप्लास्टी का भी रहता है और बाईपास का भी रहता है। तो अगर हम लोग ब्लड सप्लाई अगर हार्ट को ठीक ढंग से कर पाए तो हमारा उद्देश्य खत्म हो गया। एंजियोप्लास्टी या बाईपास का उद्देश्य भी यही होता है कि जो हार्ट डिप्राइव्ड रहता है यानी अपने ब्लड सप्लाई से ब्लड सप्लाई नहीं होता रहता उसको, तो वो ब्लड सप्लाई नॉर्मल रिस्टोर करने का काम एंजियोप्लास्टी या बाईपास करती है। सेम अगर हम बिना ऑपरेशन के इस ईईसीपी द्वारा नैसर्गिक रूप से कर पाए तो इससे अच्छा तो कोई और ही नहीं, हर कोई तो ऑपरेशन को डरता ही है। बिल्कुल, तो ये ईईसीपी ट्रीटमेंट जो है ये आम आदमी भी कर सकता है, क्योंकि जिस तरह से आपने अभी बताया कि कॉस्ट खर्चा जो है आम तौर पर जिसके पास पैसा है वो एंजियोप्लास्टी या अदर जो ट्रीटमेंट है वो ले सकता है, तो ईईसीपी थेरेपी का कॉस्ट क्या है, कौन ये ट्रीटमेंट ले सकता है, क्या बताओगे? ईईसीपी ट्रीटमेंट का जो कॉस्ट है डेफिनेटली बाईपास और एंजियोप्लास्टी के 1/4 ऑफ द चार्ज है, तो एक प्रकार से देखा जाए तो हम लोग एक कम खर्चीली हो गए। और कौन ले सकता है, बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि स्पोर्ट्समैन जैसे ग्रेग चैपल वगैरह ने भी ये ट्रीटमेंट लिया हुआ है, तो उन्होंने इसलिए लिया कि उनका हार्ट का जो है पंपिंग बढ़ाया जा सके या फिर उनका हार्ट का कैपेसिटी बढ़ाया जा सके, तो ईईसीपी अबव 35 कोई भी ले सकता है। अच्छा, इसमें एज भी मैटर करता है, मतलब 35 उम्र की? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मल अगर 35 के ऊपर लेता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मैंने मेरी जिंदगी में 22 साल का भी पेशेंट देखा है जिसका हार्ट जो है डीसीएमपी बोलते हैं हम लोग, वो हार्ट की पूरी मसल्स डैमेज हो जाती है और उसका पंपिंग बहुत कम हो जाता है, तो ऐसे पेशेंट को भी मैंने दिया हुआ है डीसीएमपी यानी जो 22 साल का है। बट एक जनरल हम लोग सोचते हैं तो 30-35 साल तक के तो यूजली सब ऐसे ही नॉर्मली निकल जाते हैं। बिल्कुल, ये जो थेरेपी है ईईसीपी थेरेपी, इसका मतलब अभी फिलहाल जो आपके द्वारा ऐसे कितने मरीजों को ये थेरेपी दी गई है और कितने मरीज इसका लाभ उठा चुके हैं, क्या बताओगे? मैं 2004 से यही उपचार कर रहा हूँ, हमारे सेंटर में करीबन 3,500 के ऊपर पेशेंट हो चुके हैं और सक्सेस रेट भी हमारा 95% के ऊपर है। बिल्कुल, आपने ये जो ईसीपी थेरेपी है ये फॉरेन से सीखी है, आप कई साल विदेशों में थे, वहाँ की ट्रीटमेंट और यहाँ के ट्रीटमेंट के बारे में आप क्या बताना चाहोगे? मैंने आपको पहले ही बताया था कि बड़े भैया की वजह से और ये सब प्रॉब्लम की वजह से मैं इस लाइन में आया। मैंने क्या किया है, चेन्नई में यूएसए वैसोमेडिटिक का एक सेंटर है वहाँ के पहले ट्रेनिंग किया, उसके बाद में मैं गया फिनिक्स यूएसए में, वहाँ एकेम करके अमेरिकन कॉलेज ऑफ एडवांसमेंट इन मेडिसिन उसके द्वारा संचालित ईईसीपी कोर्स था, उसका मैं कम्प्लीट किया वहाँ पर ट्रेनिंग, उसके बाद में फिर नागपुर में आने के बाद में ये सब चालू किया। मेरा यही कहना था कि हमारे भारत के लोगों को इसका फ़ायदा हो। आज हमारे सेंटर पे दूर दूर गांव और शहरों से लोग आते हैं और ये जो ईईसीपी है इसका भी जैसे इंटरनेशनल कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी करके है ICES करके, उसका अभी मैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन चुका हूँ और इसका जो इंटरनेशनल ट्रेनिंग है वो भी मैं कम्प्लीट कर चुका हूँ। अरे वाह, बहुत बढ़िया बात है, जिसका फ़ायदा हमारे यहाँ के मरीजों को होगा। बिल्कुल, आप कई अवार्ड से सम्मानित भी हो चुके हैं, इसके बारे में क्या बताओगे? और ये जो थेरेपी है इसका भारत में उतना प्रचार प्रसार नहीं है, तो इसके बारे में आप आगे कुछ पहल करने वाले हो? ऐसा तो नहीं है कि भारत में प्रचार प्रसार नहीं है, हम लोग अगर तमिलनाडु स्टेट में जाते हैं तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ये 5-5 मशीन लगी हुई है। तमिलनाडु स्टेट में जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स जितने भी है और उसमें कहीं 3 लगी हुई है, कहीं 5 लगी हुई है, गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु ने उसको अप्रूव करके उसको रीएम्बर्स भी होता है वहाँ पे, इंश्योरेंस क्लेम भी होता है, लेकिन आज की तारीख में महाराष्ट्र में नहीं हो रहा है। हमने बहुत ऊंचे लेवल पे भी कोशिश किया लेकिन अभी तक की उसका अप्रूवल आया नहीं है। इसके लिए आगे आपके मतलब आपकी ओर से किसी तरह की कोशिश की जाएगी?
हाँ चालू ही है हमारा प्रयास, चालू है। बिल्कुल, आपका उद्देश्य आगे मतलब क्या है, क्या मोटो रखकर आप आगे आपकी पहल कर रहे हो, या आपका मतलब जो भी टारगेट है कुछ एक रहता है कि हमें हाँ ये करना है, ऐसा कुछ होगा आपका भी? मेरा, मैं चाहता हूँ कि पूरा भारत हमारा हार्ट पेशेंट से फ्री हो जाए, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन हम लोग जितनी कोशिश कर सकते हैं उतना कोशिश तो करना ही चाहिए। बिल्कुल और क्रिटिकल जो इल हो जाते हैं उनको पहले ही अगर हमने कैप्चर कर लिया है तो हम लोग उसको आगे में डिसीज़ का प्रोग्रेशन रोक कर सकते हैं, और इस प्रकार से हम जो घातक बीमारी है उसको अपने कंट्रोल में ला सकते हैं। बिल्कुल, अभी फिलहाल तो सभी ओर कोविड का दौर चल रहा है। इस दौरान हमने देखा कि दूसरी लहर के दौरान कोविड के मरीजों की हार्ट अटैक से मरीजों की जो है मौत हो चुकी है, तो ये क्या कनेक्शन है? मतलब कोविड के मरीजों की जो हार्ट अटैक से मौत हुई है, क्यों हुई है, क्या इसके पीछे का कारण है? इसमें जो है ना, कोविड पेशेंट में ब्लड क्लॉट फॉर्मेशंस का बहुत ज़्यादा देखने में आया, और कोविड से तो पेशेंट ठीक हो जाता है लेकिन हार्ट अटैक से उसकी जान चली जाती है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि कोविड पेशेंट होने के बाद में, कोविड ख़त्म होने के बाद में पेशेंट ने अपना रेगुलर हार्ट चेकअप करना चाहिए, जिसमें TMT, ईको और ब्लड प्रोफाइल वगैरह सब करना चाहिए। यानी अपने कार्डियोलॉजिस्ट से संपर्क करके उन्होंने ये सब इन्वेस्टिगेशन करके अपने आप को सावधान कर लेना चाहिए। बिल्कुल, कोविड जो मतलब कोविड हो जाता है जिसके बाद हार्ट अटैक से मौत हुए, कोई पेशेंट जो थे हॉस्पिटलाइज थे वहाँ तब भी उन्हें मतलब हार्ट अटैक आया है, तो ऐसे मरीजों को या आने वाले दिन में मरीजों को किस तरह की मतलब सुरक्षितता के तौर पर उपाय करने चाहिए, क्या बताओगे? वही उन्होंने सब अपना रेगुलर फॉलोअप करना चाहिए डॉक्टर्स के साथ में, और हर पेशेंट ने कम से कम आधा घंटा इवनिंग वॉक या मॉर्निंग वॉक करना चाहिए। मॉर्निंग वॉक इज़ ऑलवेज प्रिफरेबल। और वही सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, दारू और अपना चाइनीज़ फूड, जंक फूड, पिज़्ज़ा, बर्गर, इस सब को नहीं लेना चाहिए। इंटरनेशनल कार्डियोलॉजी सोसाइटी के आप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन चुके हैं, इसका श्रेय आप किसे देना चाहोगे? मतलब आप इतनी ऊंचाई तक पहुंच चुके हैं, इसके पीछे मतलब कौन है, या इसका श्रेय आप किसे देते हो? ये यहाँ तक पहुँचने का सफ़र इतना आसान तो नहीं था, काफ़ी फाइनेंशियल स्ट्रेंस थे, और उस सब में मेरा जो हेल्प किया था मेरी वाइफ ने किया था, जिसने अपना गोल्ड भी मेरे को दे दिया था और पूरे FDs वगैरह दे दिए थे कि तुम ये मशीन लाओ और इसको चालू करो। यूजुअली कैसा रहता है कि इतना फाइनेंस इन्वॉल्व रहने के बाद में कोई भी लेडी अपना गोल्ड तो देती नहीं है, बट बिल्कुल उसने एक विश्वास जताया कि ये आप करो, हम आपके साथ हैं। तो मैं, मेरा श्रेय तो डेफिनेटली मेरी वाइफ अर्चना पाटिल को देना चाहता हूँ। इसके अलावा मेरे पिताजी खुद एक इंजीनियर थे और मेरे को मैथ्स में बहुत अच्छे मार्क्स थे, मैंने इंजीनियरिंग लाइन का सोचा था। इन पिताजी बोले कि नहीं, तेरे को बेटा मेरे को डॉक्टर ही बनाना है। उनके जिद लिए मैं डॉक्टर बना और डेफिनेटली आज यहाँ पे हूँ। तो मेरा श्रेय मेरे मदर फादर मेरे श्याम पाटिल, श्रीमद मिसेस नीलिमा पाटिल, और बड़े भैया है जो डॉक्टर सुनील पाटिल, इन्होंने भी मेरे को सपोर्ट किया ताकि मैं यहाँ तक पहुँच सका हूँ। बिल्कुल और मेरे तमाम दोस्त जैसे डॉक्टर पावशेकर वगैरह हो गए, इन सभी को मैं श्रेय देना चाहूँगा। बिल्कुल, ये जो सफ़र था ये तो आसान नहीं होगा, अप एंड डाउन इसमें आए होंगे, इसके बारे में क्या बताओगे? अप्स एंड डाउन्स, मैं तो ये बोलूँगा कि आदमी में जिद और लगन रही तो कोई भी कार्य आदमी सफल कर सकता है, और हॉनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी एंड हार्ड वर्क ही एक है जो सफलता की कुंजी है। बिल्कुल, हमारे दर्शकों को आखिरी एक संदेश क्या देना चाहोगे? एंजियोप्लास्टी हो या हार्ट की बीमारी है उसे बचा जा सके, इसके लिए क्या संदेश देना चाहोगे? डेली वॉकिंग फॉर 30 मिनट्स मिनिमम इज मस्ट। उसके बाद में ये जो बैड हैबिट्स है, सिगरेट स्मोकिंग, टबैको, ड्रिंक्स, मटन, इन सब से दूर रहना चाहिए। और फिश इज़ ऑलवेज गुड फॉर हेल्थ, सो जो नॉन वेजिटेरियन है वो फिश ज़रूर खा सकते हैं। बिल्कुल, तो हमारे साथ थे डॉक्टर प्रदीप पाटिल जो कि हार्ट स्पेशलिस्ट है, इन्होंने हमें बहुत अच्छी जानकारी साझा की है और कई नई थेरेपी के बारे में इन्होंने बताया है। तो इसी के साथ आज वक्त हो चला है यह रुकने का, ताज़ा और भी अपडेट के साथ या और अच्छे व्यक्तिमत्व के साथ हम रूबरू करवाएंगे, तब तक देखते रहिए BCN न्यूज़। नमस्कार।